हाय गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि है प्रेगनेंसी में क्या क्या स्किन केयर और बॉडी केयर की चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए। तो उसके साथ मैंने ऐड कर दिया है हेयर केयर भी, क्योंकि हेयर केयर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रेगनेंसी के टाइम ना क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि केमिकल्स, पैराबिन, सल्फेट, एल्कोहल और रेटिनॉल्स और बाकी सारे जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट्स है, वो हमारे स्किन के लिए, बॉडी के लिए और हमारे फिटनेस के लिए, जहाँ पे हमारा बेबी रहता है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। सो दैट इज द रीजन आई थॉट कि ये वीडियो आप सबके लिए लाना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले मैंने क्या क्या चीजें यूज की है। और वो सारी ही चीजें ऑब्वियसली सेफ है प्रेगनेंसी में यूज करने के लिए। इनफैक्ट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो, जैसे कि मैं अभी ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम पे भी आपकी बॉडी में जो जाता है वो आपके ब्लड में जाता है और आपके ब्लड के थ्रू से मिल्क प्रोड्यूस होकर आपके बेबी के पास जाता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी सेफ प्रोडक्ट यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो आपके बेबी के लिए भी सेफ हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पर उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है एक बॉडी वॉश, ये वाला क्लोविया बोटानिका का कामिंग बॉडी वॉश है। इट्स फ्री फ्रॉम सल्फेट, टॉक्सिक, पैराबिन एंड हार्मफुल केमिकल्स। और क्लोविया बोटानिका के रेंज में जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे ही प्रोडक्ट सेफ फॉर प्रेगनेंट वुमेन एंड ब्रेस्ट फीडिंग मदर। सारे जो प्रोडक्ट्स है वो मैंने अमेजोन से खरीदा है ऑनलाइन सिचुएशन के चलते हुए। मैं नहीं चाहती हूँ आप में से कोई भी बाहर जाके खरीदे, तो सारे ही प्रोडक्ट्स ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है एक फेस वॉश। तो ये वाला जो फेस वॉश है ये है सोल ट्री का नट ग्रस फेस वॉश। ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है। दिस इज द थर्ड बॉटल और आप देख ही सकते हो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है, खत्म हो चुका है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, कॉम्बिनेशन है, जो प्रेगनेंसी के दौरान मेरा स्किन हो चुका था, तो उस टाइम पे आप इसे जरूर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला जिल्स का कामिंग तुलसी फेस मिस्ट। एक फेशियल मिस्ट है फ्रॉम जिल्स कंपनी, इसमें तुलसी वगैरह है, मुझे काफी पसंद है और अभी भी मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ तक ये प्रोडक्ट यूज ऑलरेडी मैं कर चुकी। नेक्स्ट मेरे पास है ये है फेस सीरम, विटामिन सी फेस सीरम। पिगमेंटेशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट, तो डेफिनेटली विटामिन सी इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट जो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। ये वाला क्लोविया बोटानिका का विटामिन सी फेस सीरम है। दिस इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल, सल्फेट, टॉक्सिक एंड पैराबिन। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है डे क्रीम। तो मैं डे में ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज कर रही थी। एवरी डे मैं थोड़ा सा क्रीम लगाती क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्वेट कर रही थी, तो डे क्रीम को मैं कभी कभी मिस भी कर रही थी, बिकॉज प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स की वजह से स्वेटिंग मेरी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। मुझे कब आपकी स्किन प्रेगनेंसी के दौरान क्या चाहती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है नाइट क्रीम, मॉम्स को का नाइट क्रीम है। इसमें नेचुरल रेटिनॉल्स है, तो रेटिनॉल्स हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। बट जो केमिकल रेटिनॉल है वो आप यूज नहीं कर सकते व्हाइल यू आर प्रेग्नेंट और यू आर ब्रेस्टफीडिंग, बिकॉज वो आपकी बॉडी के लिए, आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं होता है। दैट्स द रीजन मैं ये नेचुरल रेटिनॉल वाला क्रीम जो है मॉम्स को का ये वाला यूज कर रही थी। दिस इज वेरी गुड प्रोडक्ट, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। और मैं हर रात को सोने से पहले इसे यूज कर रही थी। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है बोटानिका का कोलंबियन सुप्रीमो कॉफी स्क्रब, ये बॉडी स्क्रब है। दिस वन इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम पैराबिन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल एंड सल्फेट। नेक्स्ट जो चीज है वो है ये बॉडी डिओड्रेंट। ये इंडस वैली का नेचुरल डिओड्रेंट है, क्योंकि सारे डिओड्रेंट में केमिकल, एल्कोहल, ये सारी चीजें रहती है। सो इट्स सेफ टू यूज समथिंग विच इज नेचुरल। सो दिस वन इज द नेचुरल डिओड्रेंट फ्रॉम इंडस वैली। इसका स्मेल जो है लेवेंडर का स्मेल है। दिस इज वेरी वेरी गुड। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन डेफिनेटली यूज दिस वन। ये अंडर आर्म रोल ऑन है और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव भी है। नेक्स्ट है ममास आर्ट का, ये वाला है उपतन फेस मास्क। आई हैव ऑलरेडी यूज इट सो मच। प्रेगनेंसी के टाइम ना बिकॉज ऑफ द हार्मोन डिसबैलेंस मेरे नेक एरिया पे पिगमेंटेशन हो गया था, तो उसके लिए भी मैं इसे यूज़ करती थी और ऑब्वियसली फेस पे तो मैं यूज़ करती ही थी। ममास आर्ट के प्रोडक्ट भी प्रेगनेंसी में सेफ है टू यूज़ एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम भी सेफ है। इसके अलावा क्लोविया की फेस मास्क जो है वो भी सेफ है, स्पेशली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स के लिए। नेक्स्ट है हेयर मास्क, ये है ममास आर्ट का एक और प्रोडक्ट जो है अनियन हेयर मास्क। ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट है, इसे मैं यूज़ करती थी प्रेगनेंसी के टाइम एंड अभी भी मैं यूज़ करती हूँ। लास्ट वीक ही मैंने यूज़ किया था इसे। सो दिस इज अनदर प्रोडक्ट विच आई रियली रिकमेंड फॉर प्रेगनेंट वुमेन एंड ऑल्सो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स।
प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सुना है बहुत लड़कियों का हेयर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत हेयर ग्रोथ होता है, बट मेरा बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो उसके लिए मैंने ये वाला क्लोविया बोटानिका का हेयर फॉल शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ किया था। इसने बहुत हेल्प किया था मेरा, बट लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके मेरा हेयर फॉल अपने आप से ही कम हो गया, या फिर इस शैम्पू की वजह से कम हो गया, मुझे नहीं पता, बट कम हो गया था तब। बट उससे पहले सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी वाइल द टाइम आई वॉज प्रेगनेंट, सो इसलिए मैं हमेशा वीक में एटलीस्ट 1 to 2 times अपने बालों में हेयर ऑयल मसाज कर रही थी। उसके लिए मैं यूज करती थी ये वाला क्लोविया बोटानिका का हेयर ऑयल और 10-in-1 हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। हेयर फॉल ऑब्वियसली तब हो रहा था मेरा बहुत ज्यादा, तो इसलिए हेयर फॉल कंट्रोल ऑयल। और मैंने सुना है पोस्टपार्टम भी हेयर फॉल होता है, तो अभी तक तो टच वुड स्टार्ट नहीं हुआ और मैं विश करूंगी कि स्टार्ट ना हो, बट अगर होता है तो आई ऑलरेडी हैव एंटी हेयर फॉल सॉल्यूशंस विद मी, तो ये सारी चीजें मैं कंटिन्यू कर रही हूँ अभी भी यूज करना। फिर मरूला है, अनियन सीड है, कैस्टर ऑयल है, विटामिन ई ऑयल है, करी लीफ ऑयल है, मतलब करी लीफ ऑयल है, तो ये काफी अच्छा है हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट प्रेगनेंट वुमेन ना स्ट्रेच मार्क्स भी बहुत ज्यादा सोचती है, तब मैं यूज़ करती थी ये वाला बायो ऑयल। तो बायो ऑयल बहुत अच्छा है और सूटेबल है, सेफ है यूज़ करने के लिए, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती थी। इतना खास कुछ मुझे तो देखने को नहीं मिला क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स हो चुके हैं अभी, तो मैं तो नहीं बोल सकती कि अच्छी ऑयल क्या है जो प्रिवेंट करे स्ट्रेच मार्क्स को, क्योंकि अगर आपकी स्किन में होना होगा, इलास्टिसिटी स्किन की अगर आपकी कम होगी, होना होगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो इस वजह से भी हो सकता है कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स आए हो इतने ज़्यादा। बट तो ये ऑयल सेफ है, इसे यूज़ कर सकते हो, काम आई डोंट थिंक सो, इसने कुछ मेरे लिए तो किया है, कुछ भी नहीं किया है। सो गाइज, या दिस आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मैंने प्रेगनेंसी में अपने स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर में यूज़ किया है, तो डेफिनेटली ये सारे प्रोडक्ट्स सेफ है, यू कैन ट्राई। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, अमेजोन से आप खरीद सकते हो सारे ही प्रोडक्ट्स, क्योंकि वहाँ पर मिल जाता है बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स में, और अभी बाहर जाने का रिस्क भी क्यों लेना है अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो या फिर आप प्रेगनेंट हो, तो रिस्क मत लो, अमेजोन से खरीद लो डिस्काउंट में। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना दूसरे वुमेन्स के साथ, उनका भी हेल्प हो जाएगा। और इसी के साथ कमेंट करके जरूर बताना नेक्स्ट कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो इस प्रेगनेंसी सीरीज में, और कुछ ही वीडियो, मतलब 3-4 वीडियोस ही मैक्सिमम बाकी है, उसके बाद ये सीरीज खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट कौन सा सीरीज देखना चाहते हो, व्लॉग्स देखना चाहते हो या नहीं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम में मैं बहुत सारी रील्स वीडियोस वगैरह डालती हूँ, शिन ब्यूटी शर्मिष्ठा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का भी नाम है। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ब्लेस।